ओम शांति। 12/1/2024 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। प्रश्न, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं वह कैसे? उत्तर, आस्तिक वह हैं जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, और नास्तिक वह हैं जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश हो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। दूसरा, आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धियोग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है या दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना है, उनसे जास्ती बात नहीं करनी है। दूसरा, स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। वरदान, निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय, नशा और योग के सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नर्म बना देगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है तो आराम से यूज़ करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे यह चेक करो। स्लोगन, निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना, इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगी और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। आप दृष्टि